हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी मतलब कि किसी भी लीनियर एरे को अगर हमें मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए देखिए लीनियर एरे क्या होता है ये हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था आज हम उसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट वी राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ लीनियर एरे इन मेमोरी लीनियर एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब इसमें हमने कहा कि लेट एल ए बी ए लीनियर एरे इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर रिकॉल दैट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज सिंपली ए सिक्वेंस ऑफ एड्रेस लोकेशन ठीक है तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है वो सिंपली कई सेल्स में डिवाइड होती है और उन सेल्स का अपना एक सिक्वेंशियल लोकेशन होता है जैसे मान लीजिए हमने मेमोरी बनाया सपोज कीजिए ये हमारा मेमोरी लोकेशन वन थाउजेंड है तो ये वन थाउजेंड वन होगा ये वन थाउजेंड टू होगा ये वन थाउजेंड थ्री होगा एंड सो ऑन ठीक है तो कंप्यूटर मेमोरी इस तरह की होती है कंप्यूटर मेमोरी ठीक है अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि कोई लोकेशन हमने ट्रेस किया किसी भी एलिमेंट का तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि मान लीजिए हमने कहा एल ओ सी मतलब ये हो गया लोकेशन किस में हमें देखना है एल ए क्या है एल ए जो है लीनियर अरे का नाम है एल ए और किस एलिमेंट को देखना है हमें एलिमेंट को ठीक है तो इसकी जो लोकेशन होगी इसकी लोकेशन क्या होगी एड्रेस ऑफ द एलिमेंट एल ऑफ द एरे एल ए तो ये क्या दिखाएगा ये दिखाएगा एड्रेस मेमोरी एड्रेस ऑफ द एलिमेंट लीनियर एरे जो एल ए के नाम से है उसके एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इस तरह हम दिखाते हैं ऑफ द एरे एल ए ठीक है अब इसमें क्या होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ एल ए आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी सेल्स जैसे ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो अकॉर्डिंगली द कंप्यूटर डज नॉट नीड टू कीप ट्रैक ऑफ़ द एड्रेस ऑफ एरी एवरी एलिमेंट ऑफ एल ए मतलब चूंकि एल ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में सक्सेसिव लोकेशन पे स्टोर होते हैं तो हर एक एलिमेंट के एड्रेस की लोकेशन रखने की ट्रैक रखने की कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं होती है बट इट नीड्स ऑनली टू कीप ट्रैक ऑनली ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल ए यानि जो एल एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ठीक है फर्स्ट एलिमेंट जो है केवल उसका एड्रेस कंप्यूटर अपने पास रखता है उसी से बाकी के एड्रेस निकल आते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है इसको एक तरह से आप कह सकते हैं बेस बेस ऑफ एले एल ए क्या है लीनियर एरे ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड द बेस एड्रेस ऑफ एल ए इसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ एल ए ठीक है अब इसमें क्या होता है कि अगर इस बेस एड्रेस को हम यूज करें बेस एल ए को तो द कंप्यूटर कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एल ए बाई द फॉलोइंग फार्मूला अब अब अगर हमें एल ओ सी ऑफ किसका पता करना है एल ए के एलिमेंट का ठीक है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा इसका पहले बेस एड्रेस हो गया बेस एल ए हमने लिखा उसके बाद प्लस ये डब्लू किया हमने अभी हम बताते हैं डब्लू क्या है और के माइनस यहां पे हमने लिखा लोअर बाउंड ठीक है यहां पे डब्लू क्या है डब्लू इज द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर द एरे एल ए यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर डब्लू इज द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल पर मेमोरी सेल फॉर द एरे एल ए तो इस फॉर्मूले से आप एरे के किसी भी एलिमेंट का आप एड्रेस निकाल सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो टाइम लगता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द टाइम टू कैलकुलेट एल ओ सी एल ए के इज एसेंशियली द सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ के फर्दर मोर गिवेन एनी सब्सक्रिप्ट के वन कैन लोकेट एन एड्रेस ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ एल ए के विदाउट स्कैनिंग एनी अदर एलिमेंट एल एस आप बगैर किसी और एलिमेंट को स्कैन किए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं एग्जाम्पल है ना अब आप हमने कहा कि मान लीजिए कोई एरे है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मान लीजिए कोई एरे है ऑटो के नाम से ठीक है वो क्या रखता है विच कीप्स रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम ईयर नाइनटीन थर्टी टू से और हमने कहा नाइनटीन एटी फोर तक जितने भी ऑटोमोबाइल्स बिके हैं ईयर वाइज उनका ये रिकॉर्ड ऑटो के अंदर है ठीक है अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए बेस ऑटो दिया हुआ है यानी इसका बेस एड्रेस दिया हुआ है बेस ऑटो ये दिया है 200 यानी 200 सौ लोकेशन से ये स्टार्ट होती है एरे एंड डब्लू दिया हुआ है फोर यानी फोर वर्ड्स पर मेमोरी सेल ठीक है तो अब अगर इसमें हम बात करें कि लोकेशन हमें निकालना है मान लीजिए ऑटो में किसका वन नाइन थ्री टू का वन नाइन थ्री टू इसका अगर हमें लोकेशन निकालना है तो वन नाइन थ्री टू से चूंकि स्टार्ट हो रहा है यानी ये इसका लोकेशन आ जाएगा दो सौ ठीक है फिर अगर हमने कहा लोकेशन ऑफ ऑटो वन नाइन थ्री थ्री इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाला यानी दो सौ एक ऐसे ही वन नाइन थ्री फोर का आ जाएगा आपका तो अब देखिए दो सौ एक जब आप करेंगे तो फिर आपका ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि W क्या दिया हुआ है फोर वर्ड्स पर मेमोरी सेल एक मेमोरी सेल में चार वर्ड्स है तो यानी ज़ीरो वन टू थ्री ठीक है चार मेमोरी सेल चले जाएंगे ठीक है तो फिर ये इसका हो जाएगा एड्रेस फोर फिर ऐसे ही आपने कहा लोकेशन ऑटो में हमें निकालना है अगले ईयर का यानी नाइन वन नाइन थ्री फोर का इसका जब आप लोकेशन निकालेंगे तो आ जाएगा चार पाँच छः सात तो इसमें चला जाएगा फिर टू थाउजेंड एट एंड सो ऑन इस तरह से हम लोकेशन निकाल सकते हैं अब इसमें क्या है कि द एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट फॉर द ईयर के इक्वल टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव अब मान लीजिए हमने कहा हमें निकालना है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें लोकेशन निकालना है ऑटो वन नाइन सिक्स फाइव का ठीक तो इसको अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस ऑटो प्लस डब्लू इंटू नाइनटीन सिक्सटी फाइव माइनस लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड कितना है वन नाइन थ्री टू आ जाएगा तो बेस ऑटो हो गया हमारा 200 सौ डब्लू दिया हुआ है चार इंटू सिक्सटी फाइव में से आप थर्टी टू घटाओगे पाँच में दो गया तीन छः में तीन गया तीन ये आ जाएगा थर्टी फाइव इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दो सौ प्लस चार पंजे बीस के जीरो लगा दो चार तिया बारह और दो चौदह तो ये आएगा आपका थ्री हंड्रेड फोर्टी ठीक है लेकिन इसमें एक चीज ये गड़बड़ होगी कि जब आप 1965 में से 1932 जब आप माइनस करेंगे ठीक है तो ये कितना आएगा ये आएगा पाँच में से दो गया तीन और छः में से तीन गया तीन तो ये 35 नहीं ये आएगा, आएगा आपका 33. ये ठीक इस हिसाब से यहाँ चेंज होगा इस हिसाब से यहाँ चेंज होगा तो ये आ गया आपका थर्टी थ्री तिया बारह के दो से लगा एक तिया बारह और एक तेरह ये आंसर आ जाएगा थ्री थर्टी टू ये लोकेशन हो जाएगी इस एलिमेंट की ठीक है तो इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए इसका डायग्राम इस तरह आएगा रे को कैसे रिप्रेजेंट किया तो सिंपली ये मान लीजिए ये कंप्यूटर मेमोरी हो गई ठीक है इसके अंदर ये डिफरेंट सेल्स हो गए इस तरह से ठीक है और स्टार्टिंग एड्रेस इसका क्या दिया हुआ था 200 तो ये पहला एलिमेंट हो गया 200 फिर ये 201 सौ एक दो 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 तीन दो चार पाँच छ सात आठ एंड सो ऑन ठीक है अब इसमें क्या होगा कि ऑटो नाइन वन नाइन थ्री टू के लिए चार वर्ड्स मतलब एक दो तीन थी, चार ठीक है ये चार किसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑटो वन नाइन थ्री टू को फिर ये चार रिप्रेजेंट करेंगे ऑटो वन नाइन थ्री थ्री को ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट चार जो आएंगे आपके आठ नौ दस ग्यारह ये चार आपके रिप्रेजेंट करेंगे ऑटो वन नाइन थ्री फोर को एंड सो ऑन तो इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में ठीक अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ए कलेक्शन ए ऑफ डाटा एलिमेंट इज के कैन बी लोकेटेड एंड प्रोसेस्ड इन ए टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ के ठीक है यानी कि कोई भी अगर कोई भी एलिमेंट हमको मान लीजिए कोई एलिमेंट ए के है या हमने ऐसे दिखाया ए के है एरे का कोई भी एलिमेंट है उसको प्रोसेस करने का जो टाइम है उसको एक्सेस करने का जो टाइम है वो इस के पर डिपेंड नहीं होना चाहिए ठीक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है तो इस तरह से किसी भी लीनियर एरे को आप कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू